वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम अ न्यू वीडियो। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी मेरी तरह बुक लवर हैं तो ये बुकों का कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, आपके बच्चों के लिए बेहतरीन उपहार साबित हो सकता है। चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया के 3 वॉल्यूम ये ज्ञान का संपूर्ण भंडार होता है। शायद ही जीवन का कोई क्षेत्र इनसे छूटा हुआ हो। ज़्यादातर बच्चों के मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सरल भाषा में, और इनमें चित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब ये चित्रों से और रंगों से बच्चों को बहुत लगाव होता है। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए ये किताब की क्वालिटी रखी गई है। जैसा कि आप देख पा रहे, वैसे तो इससे जिज्ञासा किसी भी चीज़ की हम आजकल गूगल से भी शांत कर लेते हैं और आने वाले वीडियोज भी उपलब्ध रहते हैं, लेकिन क्या आता अगर आप किसी चीज़ को ऑनलाइन तरीके से सर्च करते हैं तो उसके द्वारा जो भी आप सामग्री लेते हैं तो उतना स्थायी नहीं रहता, जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर आप किताब पढ़ के कोई चीज़ कैच करते हैं, कवर करते हैं, तो लंबे समय तक वह आपके ब्रेन में रहता है। तो इस तरह से इसमें सारी चीज़ें हैं और अलग अलग कल्चर से संबंधित अलग अलग, चाहे खेल हो, इतिहास, भूगोल, अंतरिक्ष, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, सारे उन सारे कवर चीज़ों को ये चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया कवर करती है। जो भी हमारे मन में कई बार प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसके पीछे क्या कारण है, अथवा बेसिक से लेकर के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं और बहुत ही आसान भाषा में बच्चों के ही हिसाब से साधारण शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हर किसी के समझाने का तरीका अलग होता है। अगर मैं किसी बच्चे को कोई चीज़ बताऊंगा तो मैं अपने तरीके से बताऊंगा, लेकिन इसमें बच्चे को बच्चे के तरीके से बताया गया है और चित्रों का अधिकतम इस्तेमाल किया गया। चित्र भी 3 तरह के चित्रों को इसमें शामिल किया गया, एक ग्राफिक्स वाले चित्र है जो उसकी भाषा में, एक रियल चित्र है और दूसरा उसी को ग्राफ के तरीके से भी बताया गया है, ताकि तीनों में से जो भी उनको समझने में आसान लगता है वो चित्र देख के आसानी से समझ सके। इसके अलावा वो सारे फैक्ट्स शामिल किया गया है। बच्चों के लिए नहीं, प्रतियोगी परीक्षा में भी इस तरह के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। भले ही उसका मैटर कुछ अलग रहा हो, लेकिन नॉलेज कभी भी बेकार नहीं होती है। समय बीतने पर भी वो उतना ही काम आती है जितना उस टाइम में आई थी। हाँ, इसमें थोड़े से आपके करंट अफेयर्स वगैरह बढ़ जाता है, करंट अफेयर्स इसमें आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी हमारे चौतरफा जो भी कहना चाहिए कि नेचर अराउंड अस भी कह सकते हैं हम इसको, और भी साइंस से संबंधित इसमें सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, और साउंड वेव्स जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है जो आपके आने वाले समय में आपको ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो इस तरह से खेल कूद वो सारे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। ये 3 किताबों का संग्रह आपके बच्चे के लिए अनमोल उपहार का काम करता है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा होती भी नहीं है और ज्ञान को हम किसी शब्दों में बांध भी नहीं सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें ये चीज़ क्यों है और किस लिए है, तो इंसाइक्लोपीडिया एक ज्ञान का भरपूर भंडार है, ज्ञान का समुद्र इसको कहना चाहिए, जिसमें बच्चों के संबंधित सारी जानकारियों को शामिल किया गया। अब मैं ये वाली बुक का आपको खोल करके दिखाता हूँ, इसमें किस तरह से दिया गया है। ये सारी साइंस के जो भी हम फिजिक्स में करते हैं अथवा समझते हैं, ये इस तरह से पेड़ पौधों से संबंधित चित्रों की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे इसमें एकदम से। जो भी हमारे चारों तरफ मीडिया है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, और नसों की बनावट, दांतों की बनावट, हड्डियों की बनावट, हमारे शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित मोटर, व्हीकल, टेलीविजन, सारे सूता जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मानव नेत्र की बनावट, ये सारी चीज़ तो सारा तो खैर मैं इस वीडियो में बता भी नहीं पाऊँगा। अगर मैं इसको अगर आप इसको बैठकर भी पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 3 महीने का समय तो इस किताब को सरसरी निगाह से अगर आप देखते हैं तो 3 महीने का टाइम 3 अलग अलग किताबों को पढ़ने में लग ही जाएगा। तो ये है इस बुक का रिव्यू। अब इसको पूरा देख ही लेते हैं। अगर हमने किताब खोलती है तो मेरी खुद भी एक कमी है, अगर मैं किसी किताब को खोल लेता हूँ तो उसको
बंद तब तक नहीं करता जब तक मोटे निगाहों से उसको पूरा न कर दूँ। तो इस तरह से ये यहाँ पर आज का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर स्टे टिल इट। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, वॉच दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो लिंक टू योर फ्रेंड्स। यू मे प्रेस बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट माई अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर स्टे टिल इट। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।